आपका स्वागत है निर्मला जी सभी लोग आपको सुनने के लिए इस सभागार में व्यग्र हैं और जितने इस सभागार में व्यग्र हैं उससे ज्यादा बाहर के लोग सुनने के लिए बेचैन हैं क्योंकि आप देश का पांचवां बजट पेश करने वाली हैं सबकी नजरें उस तरफ हैं मगर मैं जानता हूं इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं कि व्यग्रता रहनी चाहिए मगर तथ्य जो अभी जितनी बात करनी है उतनी करेंगे इन पांच जो पिछले बजट हैं इसमें आपको सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बजट कौन सा लगा पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ मुझे आज आपके समक्ष और पंचजन्या के सेवेंटी फिफ्थ ईयर सेलिब्रेशन के समय बात करने का अवसर मिल रही है उसके लिए बहुत धन्यवाद प्रश्न से जवाब इंटरेस्टिंग हो सकता है ऐसे अगर आप सोच रहे हैं मैं तो एक बोरिंग रिप्लाई देने वाली हूँ हर बजट चुनौतीपूर्ण है मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि फलना बजट बहुत ही कठिनता ये आसान है वगैरह हर साल का बजट उनके अपने चुनौती के साथ ही आता है यहाँ पे जिस तरह बताया चुनौती के साथ आता है लेकिन देश में भी हर साल नई नई चुनौतियाँ आती हैं और उन चुनौतियों को देखते हुए वो बजट भी बनाना पड़ता है लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें एन पी ए अगर बात करें तो पिछले सात आठ सालों में उसमें काफ़ी सुधार आया है न्यूनतम स्तर पर पहुँचा है ऐसा क्या था कि पिछली सरकारों में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा और ऐसा क्या किया गया है कि अब ये जो है ये सुधार की तरफ दिखाई दे रहे हैं पिछली सरकार और इस सरकार को तुरंत एक विषय में हम अलग कर सकते हैं मतलब एक का बैंक का ट्रीट करने का तरीका वर्सेस हमारे सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के बैंक के साथ उनके अपने रवैया हिंदी में अच्छा बोलने के समय आता है मगर उदाहरण जमीन आसमान का फर्क है जमीन आसमान का फर्क है और इन प्रिंसिपल आइडियोलॉजिकली आल्सो फर्क है बैंक को एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन देश का आर्थिक व्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनको अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ चलाने के फ्रीडम देना चाहिए ये है मोदी जी के अप्रोच वेर प्रीवियस गवर्नमेंट का अप्रोच ये था कि उसके द्वारा हमारे अपने पार्टी के कार्यकर्ता भतीजा भाई बहन जीजा जी सबको कैसे उनसे जो लीगल नहीं है ऐसे बेनिफिट्स ले सकते हैं उसको पूरे के पूरे बेशरमियत के साथ उपयोग करना यही है बेसिक डिफरेंस इसको हम अगर 2014 से कैसे सुधार ले आए इसके ऊपर हम देखें तो एक्चुअली एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015 में उस समय ही हमारे सरकार ने पहचाना कि चार ऐसे स्टेप्स लेना लेने पड़ेंगे पहले रिकग्नाइज करो बैंक में प्रॉब्लम है एनपीए का वो भी बहुत ही कठिन काम है क्योंकि हर एक अकाउंट में देखना पड़ता था कि कितना है कितना बैलेंस है और कितना इसमें उनका पेपर्स का वेट क्या है एनपीए है कि नहीं और एमपीए है तो इसका एक्चुअली क्या असर पड़ेगा पैसा वापस लेने का Uh, कगार में है कि नहीं उनके पेपर अगर वर्थलेस है उससे कुछ आने वाले नहीं है ऐसे असेसमेंट करना रिकग्नाइज द प्रॉब्लम फिर उसको दूसरे आर रिसोल्व द प्रॉब्लम इसको कैसे सुलझाना इसके लिए तुरंत कार्रवाई होना बैंक के स्तर पर डिसीशन लेना अगर उसमें सीवीसी मतलब विजिलेंस विजिलेंस से जुड़े हुए विषय है तो सीवीसी के साथ रख के उसको सही सुधारना सो द प्रॉब्लम सेकेंड रिसोल्व करो फिर बैंक को रिकैपिटलाइज करो उससे पैसा मिला नहीं मिला कितना घाटा हुआ उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए बैंक को पैसा दो सरकार से पैसा दो ये सब करने के बैंक बा, बाद में बैंक को रिफॉर्म करो प्रोफेशनली रन करना है ये तो जरूर है कि मोदी जी के सरकार में कोई किसी बैंक को फोन करके फलना को पैसा दो उनके पास सिक्योरिटी हो कि नहीं हो परवाने आप दे दो ऐसे फोन कॉल नहीं जाता सो so, रिफॉर्म करने के लिए सिर्फ वो एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है पूरे बैंक का कैसे वो काम करते हैं उस प्रोसेस को तुरंत तूरे, रिफॉर्म करो और जहां पैसा वापस ले आना है जो सर्विसिंग सही नहीं करता या उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो सब पीछे पड़कर उनसे पैसा मंगवा वो जो बैंक का पैसा है ये रिफॉर्म के स्टेप भी हमने लिया इसीलिए ये फोर आर्स बोलते हैं रिकग्नाइज द प्रॉब्लम रिसोल्व द प्रॉब्लम रिकैपिटलाइज द बैंक एंड देन लुक एट हाउ टू रिफॉर्म द बैंक सो दैट वो प्रोफेशनली चले ये सब हुआ उसके कारण आज पब्लिक सेक्टर बैंक का हेल्थ इतना अच्छा है वो मार्केट में जाकर खड़े होकर के मैं फलना बैंक हूं मैं पैसा उठाना चाहता हूँ ऐसे बोलने में उनके स्टैंडिंग अच्छा है इसलिए पैसा लेंड करने का भी लोग तैयार है और अच्छे रेट में देने के लिए भी तैयार है यही है इस सरकार के बहुत बड़ा कदम फर्स्ट बैंक को प्रोफेशनली चलने देना और दूसरा अब तक जो भी बाकी है वो सब धीरे धीरे पैसा वापस ले आना यही है फर्क आपने पहले कहा कि मैं ऐसा बोरिंग रिप्लाई देने वाली हूं कि शायद आपकी रुचि ना हो मगर हम बोरिंग रिप्लाई लेने के आदि नहीं है मैथमेटिक्स में लोगों ने सदियां लगाई पाई की वैल्यू निकालने में यह देश है जहां पाई पाई का मोल उसे अच्छे से पता था क्योंकि सारी कुंजी एक महिला के हाथ में दे रखी थी तो इस देश की वित्त मंत्री के तौर पर फ्रीबीज की पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचती हैं यह राजनीति राजनीति की कौन सी दिशा है इसने कितना आ, उबाल पैदा किया है उत्साह पैदा किया है और कौन सी चिंताएं पैदा की हैं ये हम जानना चाहेंगे फ्रीबीज की चर्चा तो अभी बहुत तेजी से सब भाग ले रहे हैं बात कर रहे हैं और इसमें एक दूसरे को फंसाने के लिए ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन सा आइटम फ्रीबी है कौन सा नहीं है विषय वो नहीं है विषय ये है कि आप चुनाव के समय कोई वायदे दे देते हैं उसको सरकार में आने के बाद देखने के बाद आपके वित्त व्यवस्था कमजोर है कि अच्छा है वो सचमुच देखने के बाद आपको लगता है कि ये जो मैंने वायदा दिया मान लीजिए फ्री बिजली का या कुछ और फ्री देने का ये आपके राज्य के वित्त व्यवस्था देखने के बाद आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सच्चाई तब आपके ऊपर ध्यान में आता है और जब ध्यान में आता है दे सकते हैं मान लीजिए आप आपकी व्यवस्था ठीक है और वो फ्री भी दे सकते हैं फिर एक्चुअली बजट में वो दिखाओ कि मान लीजिए किसानों के लिए फ्री बिजली देने का वायदा दिया और वो आप पूरे निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए आंकड़ा निक, निकाल करके इतना पैसा जरूरत पड़ेगा तो वो बजट में दिखाओ उसके लिए व्यवस्था करो वो पैसा उसमें डाल रो डाल रखो उस अकाउंट में और साल के अंत में वो ठीक हिसाब किताब दे दो तो वो फ्री भी नहीं हो सकता है मतलब आपके वायदा का पूरे के पूरे सपोर्ट बजट के द्वारा आप दे पाएंगे तो दे दो मग उस वो भी एक तक क्योंकि एसेट क्रिएट करने के लिए बजट को उपयोग करना है ना कि रोजाना वाले खर्च के लिए मगर फिर भी मान लो कि ये वायदा करना ही है और वायदा को निभाना भी है तो बजट में दिखाओ अब तक हम उदाहरण देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में यह नहीं होता वायदा दे दिया और बिजली भी दे दिया मगर पेमेंट मोदी जी आपका है वोट तो आपने कमाया वायदा तो आपने दिया मगर जब बर्डन आता है पेमेंट करने के लिए कोई और के ऊपर इशारा करते हुए हमारे खर्च नहीं है आप देख लो कैसे भी या तो वो बकाया अक्यूमलेट होते जाता है पता नहीं कौन उसको कब पेमेंट करेंगे पावर सेक्टर में आज यही दिक्कत हो रही है बहुत सारे डिस्कॉम्स जो स्टेट लेवल पर रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनका पैसा कोई पेमेंट करते नहीं है और उसके नतीजा डिस्कॉम जेनरेटिंग कंपनीज को नहीं देते हैं और जेनरेटिंग कंपनीज जनरेट करते रहे उत्पादन करते रहे और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बेचते रहे मगर उनको पेमेंट कौन करेगा ऐसे बकाया इधर भी डिस्कॉम लेवल पर जनकॉम लेवल पर पूरे के पूरे अक्यूमुलेट होते आ रहे हैं जिसके कारण जो मुफ्त में बिजली बंटवारा हो रही है उसका कोई जिम्मेदार लेने के लिए तैयार नहीं यही है सरदर्द अगर आपके स्टेट में इतना आपका रेवेन्यू है और आपने वायदा दिया उसको फुलफिल कर रहे हैं प्लीज पेमेंट करो ये कोर मुद्दा यही है कोर मुद्दा फ्री भी कौन है कौन को, सा चीज है फ्री भी कौन सा नहीं है इसके ऊपर हम टाइम उलझने में फायदा नहीं है चर्चा क्या कौन पे करेगा अगर वायदा आपका है आप पे करो भाई विषय लेकिन ऐसा होता नहीं है क्या इस फ्री बी वाली जो पॉलिटिक्स होती है जनता उसके झांसे में भी आ जाती है क्या इसको किसी तरह रोका भी जा सकता है या किस तरह से इसको जनता के बीच में भी समझाया जा सकता है क्योंकि हर कोई इकोनॉमिक्स उतने अच्छे से नहीं समझता जैसे आपने समझाया आम जनता को ये चीजें कैसे समझ में आएंगी मैं कह सकते हूं समझाना चाहिए मगर इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए क्योंकि आजकल कहीं कई ऐसे भी बात निकल कर आता है अगर ये फ्री में देता है आपका क्या है जी आप क्यों इसको रोक रही हो ऐसे पलट कर लोग प्रश्न भी पूछते हैं इसीलिए हम इसका थोड़ा होमवर्क करके मान लीजिए एक प्रांत में ये विषय है तो हम उसका पूरे अकाउंट निकाल करके बोलना चाहिए भाई साहब ये पार्टी बोल रही है आपको कि मुफ्त में फलना चीज देंगे मगर कहाँ है पैसा इसके लिए पूरे विवरण असेंबली में से निकाल करके दिखाना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये वायदा दे रहे हैं मगर ये निभाने में उनको बहुत दिक्कत आएगा ये बहुत समझाने में मेहनत करना पड़ेगा नहीं एक और बात है जिसे समझाने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अभी कोविड के समय सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो राजस्व से आया है उसे खर्च करने पर ज्यादा जोर दे रही थी अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा जोर दे रही है सरकार तो ये अंतर क्यों है और इसको कैसे समझें हम अब दोबारा पूछिए कुछ जिस समय कोविड था उस समय पर सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही थी अपने खजाने से अभी अभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा जोर दे रही है तब भी कैपिटल के ऊपर तब भी था हाँ। मगर जो खर्च उस समय उठाना था जैसे कि वैक्सीन के ऊपर अब पैसा देना है तो देना ही है वो बजट में हमने प्रावधान दिए बाद में और उसका खर्च सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां खर्च करना है इसमें कोई चेंज नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना करना है फोकस में क्या है फोकस में जैसे एक एक बात है कि पहले जैसे चैरिटी के लिए वेलफेयर के लिए इसके लिए करते थे अब आप लोग इंफ्रा पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं चैरिटी के लिए सोशल वेलफेयर के लिए जो खर्च उठाना है वो अभी भी उठा रहे हैं तब भी उठाए उससे पहले भी उठाए उसमें कोई कटौती नहीं है क्योंकि अगर उससे कोई ऐसे गरीब वर्ग के लिए कुछ करना है तो वो तो जरूर करेंगे करते रहेंगे मगर फर्क अब से 2020 से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप बोल रहे हैं उसको लगातार हम इंक्रीज करते आ रहे हैं बढ़ा रहे हैं 35 परसेंट एक ही साल में बढ़ा दिया अगले साल भी ऐसे ही 35 परसेंट करीब करीब फाइव लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड जो था अगले साल सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड करोर अभी जो चल रही है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड करोर इंक्रीज किए हमने क्योंकि इसमें इकोनॉमि सब अग्री करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपको फायदा एक रुपया खर्च करने में सिर्फ फोर्टी फाइव पैसा का उसका बेनिफिट मिलेगा आपको मगर जब एक रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी थ्री रुपी फोर्टी फाइव पैसा तक आपका उसका बेनिफिट मिलेगा so में मिलेगा लॉन्ग टर्म में भी मिलेगा मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा अगर खर्च करेंगे वो शॉर्ट टर्म ही बेनिफिट मिलेगा मगर उससे ज्यादा नहीं एक आंकड़ा था टू का बेसिस में उसमें 95 पैसा मिलेगा हर एक रुपया के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा ऐसे था मगर लेटेस्ट आरबीआई का 2019 वाला फिगर्स से ये निकल कर आ रही है कि 45 पैसा से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा रेवेन्यू खर्च में इसीलिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के रास्ते पर चलते हुए सेवन एंड हाफ लाख करोड़ का खर्च कर रहे हैं बिल्कुल आपने ये तो समझा दिया कि किस तरह से खर्च किया लेकिन एक कुछ अलग मुद्दे भी हैं जिन पे आपको हमने देखा है पिछले दिनों बोलते हुए देश में काफी ड्रग्स पकड़ी जा रही है पिछले कई महीनों में पिछले एक दो सालों में खासतौर से हम देख रहे हैं डी के एक कार्यक्रम में आपने ये कहा था कि अगर ड्रग्स पे लगाम लगानी है तो बड़ी मछलियों को पकड़ो तो ये बड़ी मछलियां कौन है मुझे रेडी लिस्ट हाथ में नहीं है मगर हर एक एजेंसी को मालूम है कि मालूम ज़्यादातर मालूम है कई बार वो को, को, कोशिश में है कि लास्ट पर्सन जो फंड करता है उन तक पहुँचें मगर इतना सीधा रास्ता भी नहीं है वो बहुत ही गोल मोल रास्ता है पकड़ने में भी बहुत मेहनत करते करना पड़ता है मगर यही है विषय कि कोई इसमें सेकंड ओपिनियन होने का संभावना नहीं है छोटे स्तर पर छोटे छोटे पैकेट के साथ बिक्री करने वाले वाले छोटे लोग को पकड़ना आसान है मगर उनसे इंफॉर्मेशन निकाल करके उनके पीछे कौन कौन है उन तक पहुंचना ही इस होल सिस्टम को रोकने में हमें सफलता देगी पर ये कई हम जब से देख रहे हैं काफी एक्टिवली काम किया है ना जिस तरह से ड्रग्स को पकड़ने में चेन पूरा बताया गया मीडिया में काफी हाईलाइट किया गया यूजुअली इस तरह की खबरें पहले होती थी तो शायद पता नहीं लगती थी उसके बाद भी आप देखेंगे पैडलर पैडलर से एक आप सप्लायर तक पहुंच जाते हैं उम्मीदें हमेशा यही लगी रहती कि जो आप कह रही है बड़ी मछली पूरा देश अभी तक यही जानना चाहता आखिर वो बड़ी मछली है कौन सिर्फ कयास लगा लेते हैं लोग ये सबके अपने अपने हिसाब से बड़ी मछलियाँ हैं लेकिन उस तक पहुँचना इतना चैलेंजिंग क्यों हो जाता है और ये देश के लिए काफ़ी गंभीर समस्या है अगर आप पंजाब में देखें जो हाल हो रहा है है ना बॉम्बे में अगर आप देखेंगे जो इंडस्ट्री के अंदर है ग्लैमरस जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ की खबरें सबसे ज़्यादा आती हैं तो ये देश के युवाओं के लिए खतरा और हमारा तो भारत देश युवाओं का ही देश है तो ऐसे में बड़ी मछलियों पर लगाम कसने में इतनी परेशानी क्यों होती क्या किस तरह का दबाव या किस तरह के षडयंत्र होते हैं वो समझ नहीं आता हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है क्योंकि उनका व्यवस्था ऐसे इट्स नॉट अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस इसीलिए उसको हर बार ढूंढना आप ढूंढकर इन एक आदमी को पकड़ने में वो पूरे उनके स्ट्रेटजी भी बदल जाते हैं इसीलिए वो कठिन होता है एक और ऐसा ही जैसे आपने कहा कि ये सीधा नहीं है एक नजरिए में भी बड़ा परिवर्तन है कि 2013 से पहले दुनिया जो विश्व व्यवस्था में विश्व की व्यवस्था थी उसमें भारत को काउंट करते थे उसकी गिनती करते थे फ्रजाइल फाइव में और अब वो उसका शाइनिंग स्टार है चमकता हुआ सितारा दिखता है भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत उम्मीदें दिखती हैं ये परिवर्तन कैसे हुआ इसका कारण क्या है हाँ दो सौ दो हजार तेरह में भारत फ्रजाइल फाइव में एक देश वो फाइव कौन सा ऐसा देश है उस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 में हुआ उसके चलते हुए बहुत इकोनॉमी में डैमेज जिनको मिला उन देशों के साथ हम भी एक देश बन गया इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका टर्की ब्राजील इन so पांच देश में हम भी एक है ये चार देश के साथ हम भी जोड़ा गया है क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था और हमारे जीडीपी के ऊपर भी इतना असर हो गया और करप्शन रैंपेंट करप्शन के वजह से जो पूंजी लेकर आए थे देश में वो भी वापस चलने लगे हमारे इंडस्ट्री लीडर्स भी अभी कोई उम्मीद बचा नहीं है इसीलिए इधर रहने से बेहतर है बाहर जाना ऐसे करके छोड़कर बहुत सारे निकल चुके थे उस समय सो so, आर्थिक व्यवस्था में कोई रिफॉर्म या सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस का कोई प्रयत्न नहीं था हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिसर्व एकदम घट करके अमाउंट इतना नाजुक परिस्थिति में आ गया था ऑब्वियसली आपके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो बोलते हैं वो सभी इंडिकेटर में भारत वीक होगा इसलिए वो फ्रजाइल फाइव मगर उसके बाद जब 2014 में हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बना एक एक करके उन सब को सही करने में फर्स्ट टू इयर्स में बहुत प्रयत्न हुआ बैंकों का कहानी तो मैंने आपके सामने रखी फिर हमारे एफ पॉलिसी को बदला जिससे लोग तुरंत वापस आने में और इन्वेस्ट करने में बहुत ही स्पीडी रिस्पॉन्स मिला है जीएसटी हमने ले आया आईबीसी कोड ले आए जिससे बिजनेसेस का उनके अपने लीगल लिटिगेशन और लिक्विडेशन का प्रोसेस भी आसान से कर सकते ऐसे करके बहुत सारे कदम उठाने के कारण फ्रजाइल फाइस से हम उबरकर बाहर आकर के आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिसर्व इतना कंफर्टेबल परिस्थिति में है रुपी का फ्लक्चुएशन डॉलर के साथ होने के बावजूद भी क्योंकि हमारे रिसर्व अच्छा है हमारे इकोनॉमी के ऊपर रिस्पेक्ट है लोग मानते हैं स्टेबल गवर्नमेंट है पॉलिसीज में भी ऊपर नीचे नहीं है इसीलिए स्टेबल गवर्नमेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिसर्व अच्छा है डॉलर के छोड़ करके बाकी सभी के सामने देखते हुए भारत के रुपी अच्छा स्ट्रांग रह रही है सिर्फ डॉलर यूएस डॉलर के खिलाफ ही फ्लक्चुएशन है बैंकों को हालत अच्छा हुआ है इसीलिए इन्वेस्टर्स को लगता है भारत अच्छा स्ट्रांग परिस्थिति में है और हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ का इंडिकेटर्स भी वर्ल्ड बैंक पूरा दुनिया का अमाउंट ग्रोथ नंबर को कम करने के समय हमारा भी कम किया कम करने के बाद भी हम ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस साल का और आने वाले साल का भी यही है डिफरेंस आपने जिस तरह से बताया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है अगर आज हम भारत की जो हम भारत की तस्वीर है आप हमारे पड़ोसी देशों को देखिए चाहे पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो या नेपाल में भी जो भी है तो परिस्थितियों को देखते हुए भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से ग्रो कर रही है लेकिन इस अर्थव्यवस्था को अगर और मजबूत बनाना है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मजबूती देते हैं वो होते हैं युवा जो कि उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर देखे जाते हैं अच्छा वो मैं आपको आगे पूछूंगी इस प्रश्न को लेकिन एक चीज मेरे को याद आई आपका एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है वो इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि उसमें आप एक कोटा में जा गई थी और आप जो सरप्राइज हुई थी जब आप स्टूडेंट से पूछ रही थी कौन किस स्टेट से पहले तो बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था वो आपका जो बिहार का उस उसमें आप इतने हैरान क्यों हुई थी पहले वो बताइए फिर मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछती हूँ इसलिए कि हॉल तो पूरा भरा हुआ था उसमें एक एक प्रश्न पूछने में एक ग्रुप इधर हाथ उठाए दूसरा ऐसे मगर बिहार का नंबर पूरे हॉल बर करके हाईएस्ट नंबर निकला और मुझे वो आश्चर्य लगा क्योंकि दूर दराज बिहार से आकर के कोटा में प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं इसलिए मुझे और संख्या काफी ज्यादा लगी संख्या बिहार का फर्स्ट और यूपी का सेकंड मैं आपसे ये पूछ रही थी कि उसमें एक बच्ची को आपने काफी मोटिवेट किया था छात्रा थी जो वीडियो बहुत वायरल हुआ बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है आपको मोटिवेटर के तौर पे भी देखने लगे हैं छात्र उसके बाद लेकिन देश में युवाओं को भी जो छात्र जो है जब आगे चलते हैं तो रोजगार ढूंढते हैं तो बेरोजगारी की समस्या को भी काफी तेजी से लोग उठाते हैं चाहे विपक्ष हो इवन आम जनता भी ये भी सच है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सबको सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है ऐसे में एंटरप्रिनरशिप अभी अनुराग ठाकुर जी भी थे जो आपके साथ वित्त राज्य मंत्री रहे उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो चुनौतियाँ थी तीन महीने के अंदर आपको एंटरप्रिनरशिप के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना जो कि रोजगार बनाएंगे भी और रोजगार देंगे भी इस तरफ सरकार का क्या रोक है क्योंकि देखिए जब युवा जाता है रोजगार ढूंढने के लिए और अगर वो इस तरह का रिस्की कोई जोखिम वाला काम करता है इंटरप्रनरशिप का तो उसको भरोसा चाहिए होता है सरकारी नौकरी इसीलिए चाहिए होती है क्योंकि भरोसा चाहिए एक सिक्योरिटी होती है तो वो भरोसा आपने देखा जैसे जैसे छात्राओं को आपने मोटिवेट किया था वहाँ पर उन युवाओं को जो रोजगार की तलाश में अगर वो इस तरफ जाते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहते तो किस तरह का सरकार की तरफ से प्रोत्साहन है, के के है? है, है? इसमें इस बहुत हिस्से हैं स्टार्टअप के लिए तो आपको मालूम है जो खुद आकर के एक इनोवेटिव आइडिया के साथ काम करना चाहते हैं मगर वो आइडिया तक ही वो सीमित है आइडिया को इनोवेटिव आइडिया को बिल्डअप करना उसको मेच्योर करना और उसके बाद उनका उससे कुछ ताल्लुक नहीं है उसको आ, पेटेंट ले लो और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का या वो उसको स्केलअप करने का रिस्पांसिबिलिटी उनके पास वो क्षमता नहीं होता वो आइडिया को सेल करने के लिए कोई कमर्शियली उसको उठाने के लिए मैं इतना इसमें विस्तार से इसीलिए बोल रही हूँ आइडिया जब तक उसके ऊपर काम होना है उसमें भी सरकार मदद देती है फंडिंग के द्वारा और उसमें सीड कैपिटल कोई ले आए या प्राइवेट इन्वेस्टर भी आए मगर सरकार का सिड बी के द्वारा मदर ऑफ फंड्स एक है उसके द्वारा हेल्प मिलता है ये आइडिया मेच्योर होने के बाद वो टेस्ट करने का समय भी उनका असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिलता है फिर वो उसके लप स्टार्टअप so, uh, के सपोर्ट में जहां एक व्यक्ति उनके आइडिया या एक ग्रुप ऑफ व्यक्ति उनके आइडिया के लिए व्यवस्था पूरे इंटैक्ट है उसमें ये स्टार्टअप का टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है टैक्स स्टार्टअप uh, uh, को फंडिंग करने वाले इन्वेस्टर का भी टैक्स बेनिफिट्स मिलता है इसके अलावा एमएसएमई जो छोटा एक उनका अपने कारोबार चलाते हैं उनको भी इंटरेस्ट में सब्सिडी देते हैं सरकार के द्वारा और जब कोविड के समय पर उनको बहुत ही दिक्कत आए बिना एडिशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के द्वारा फेवरेबल वो इमरजेंसी लिक्विडिटी क्रेडिट गारंटी स्कीम हमने दिए जिसका बहुत ही आजकल बहुत इंडिपेंडेंट राइटर्स भी उसके सफलता के ऊपर लिखते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक स्टडी था उसके द्वारा हम मालूम होता है कि एमएसएमई कोविड के तरफ समय पर उसके बाद में भी उनका अगर बिजनेस बंद नहीं हुआ और उनके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज को नहीं हटाया जॉब से ये सब का कारण वो इमरजेंसी लिक्विडिटी क्रेडिट गारंटी स्कीम जो भारत सरकार ने चला ऐसे करके बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके द्वारा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले व्यक्ति ऑन्टरप्रुनर को सपोर्ट करते हैं आपने जवाब दिया बहुत तकनीकी पक्ष भी थे मैं फिर सीधी सी बात करता हूं एक बात कही जाती है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं भारत से लंबे समय तक एक सप्लाई चेन थी जो उनका पीडीएस सिस्टम जैसा भी है यहां से जाता था तो बहुत सारे दानों पे लिखा हुआ नाम आपने मिटा क्यों दिया इस सरकार ने इस समय इसका इतना विवरण देना उचित है कि नहीं मालूम नहीं है मगर हाँ क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत को एम एफ एन स्टेटस नहीं दिया ये भी हम हमेशन मोस्ट फेवर नेशन का स्टेटस जो आमतौर पर हर देश दूसरा को देते हैं। हमें कभी भी एम एफ एन स्टेटस पाकिस्तान में नहीं दिया गया और इससे पहले कितने भी कोशिश हुए कि फेयर ट्रेड हो संबंध बरकरार रहे उसका भी उससे पाकिस्तान से फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं आए मगर जब भारत में पुलवामा में इतने बेरहम अटैक होने के बाद हम भी धीरे धीरे हमारे ट्रेड रिलेशनशिप को इतना ओपन नहीं रखा वही है उसके पीछे तत्व एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगी पाकिस्तान की हालत हमने देख ली क्या है रोटी के लिए मोहताज है सड़कों पे हम देख रहे हैं श्रीलंका में भी हमने हालत देखे थे उसके बावजूद भी कई विदेशी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो इन सबको पीछे छोड़ते हैं भारत की जो छवि है वो बहुत नेगेटिव दिखाती हैं हंगर इंडेक्स में रोटी के लिए वो परेशान हो रहे हैं लेकिन हंगर इंडेक्स में भारत सबसे नीचे है इसी तरह गरीबी बेरोजगारी इसके जो ये जो विदेशी संस्थाएं जो एक वो निकालती है सर्वे निकालती हैं और फिर उससे भारत को पूरे वैश्विक तौर पे बदनाम किया जाता है उसको लेकर आप क्या कहेंगे क्योंकि सच्चाई सब देख रहे हैं कि रोटी के लिए कौन तड़प रहा है और भारत की स्थिति क्या है उसके बावजूद वैसी बातें करते हैं इसमें थोड़ा मैं विस्तार से बोलना चाहती हूँ जो ये सब इंडेक्स बनाने वाले संस्था उन उन देशों में उनके सरकार के द्वारा पैसा मिलेगा या कुछ सपोर्ट मिलेगा मगर सरकारी नहीं है ये सरकार के द्वारा उनका पैसा मिल सकते हैं मगर सरकारी नहीं है। मगर क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे वर्ग है वो उनके इंडेस को उपयोग करते हुए हमारे ही सरकार को पीटना चाहते हैं वो उनके लिए वो अस्त्र बनकर के उपयोग में आता है और हम भी आजकल वो कैसे गलत इंडेक्स तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर बार बार बहुत सारे लोग लिखते हैं उसके ऊपर बात करते हैं रिसेंटली मुझे मालूम है संजीव सन्याल जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप में है वो पिछले एक डेढ़ साल से इसका पूरे विवरण निकालते हुए लिख रहे हैं। उसको विमर्श करते हुए लिखते हैं अबाउट और हम भी एक उदाहरण में एक्चुअली बोल, बोलना चाहती हूं कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर यूएसए में एक बॉडी है वो हर साल फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारत में कम होते जा रही है ऐसे वो भी लिखते हैं मगर क्योंकि उनके नाम में यूनाइटेड स्टेट्स रिलीजियस फ्रीडम कुछ ऐसे नाम के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादातर भारत में लोग उसको मिस्टेक करते हैं कि ये सरकारी यूएस सरकारी संस्था है वैसे एनजीओ है वो एनजीओ है भारत में अगर एक एनजीओ दूसरे कंट्री के खिलाफ आपके देश में देखो कितना गन का वायलेंस होते हैं बच्चे स्कूल में जाकर के मरते हैं बच्चे उनके टीचर को मराते हैं ऐसे कुछ इधर से एक एनजीओ अगर बोलते हैं उसका ट्रैक्शन कितना विदेश में मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा मगर हम ट्रैक्शन देते हैं इस देश में उन एनजीओ के रिपोर्ट के ऊपर और जब ट्रैक्शन इधर मिलता है हमारे सरकार के खिलाफ ही बात होती है डेटा जो गलत है हम भी उसको सही सटीक जवाब के साथ बोलना चाहिए कि आप क्या कहां से आ रहे हो भैया कहां बोलो डेटा निकालो ग्राउंड में कितने आपके रिसर्चर्स है जाकर के कितने ग्राउंड रियलिटीज को टेस्ट किए कोई नहीं होंगे इधर उनके अपने दोस्त के साथ कुछ संपर्क रख के आइडियोलॉजिकली उनके साथ तालमेल है ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप कुछ रिपोर्ट लिख लो और वो व्यक्ति दिल्ली में मुंबई में आराम से उनके घर में बैठ करके लिखने वाली रिपोर्ट ही उनका रि इनपुट बन जाता है इसलिए हम भी थोड़ा इन सभी विषयों में इतना आ, ये नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर ऐसे बोल दिया अरे बोलने वाले कौन भैया मगर उसको सही समय पर सटीक जवाब हम भी देना चाहिए कि आप प्रूव योर मेथड आपके मेथोडोलॉजी निकालो बोलो हमारे लिए आपके मेथोडोलॉजी कहां कितने लोग से बात करने के बाद निकला कुछ भी नहीं ये सेकेंडरी इंप्रेशन के ऊपर इंडेक्स बना देते हैं पर ये प्रोपोगेंडा जिनको सूट करता है वो उसको स्प्रेड करते हैं उसको उपयोग करते हैं आप एक इंटरनेशनल एंटी इंडिया नैरेटिव जो चलता है आप बता रही हैं कि उसके टेकर्स बैठे हुए हैं आप जे से ही पढ़ी हैं मेरे ख्याल से हाँ जी और आप ऐसी बात कर रही हैं आपको लगता है कि उन लोगों के कुछ स्लीपर सेल के जैसे लोग यहाँ पर हैं मीडिया में प्रोपेगेंडा करने वाले एकेडमिक्स में आपको लगता है हाँ शायद हो सकता है उनके पेरोल में भी, भी हो सकते हैं भारत में लोग उनके पेरोल में हैं जो शायद उसके काम करते हैं इसी तरह हमने ये देखा था कि ये जो प्रोपोगंडा की हम बात कर रहे हैं इसका शिकार एक बहुत अच्छी योजना भी हुई है हम मैं बात करूँ किसान बिल की किसान बिल को लेके हमने देखा है आ, आपकी सरकार हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है किसानों के आय में बढ़ोतरी करने के लिए और इसीलिए वो किसान बिल भी लाए गए थे लेकिन जिस तरह से ये गैंग अराजक मंडली जो थी उन्होंने जो माहौल देश भर में बनाया जिसके चलते प्रधानमंत्री जी को वो बिल वापस लेने पड़े जिसका सीधा असर क्या किसानों की आय पे आपको लगता है कि पड़ता है दूरगामी इसके जो नतीजे निकलेंगे वो किसानों के हित में नहीं होंगे इसको लेके आप क्या कहेंगे नहीं मैं ऐसा नहीं मानती हूँ किसान के लिए जो भी करना है प्रधानमंत्री जी उसमें अडे रहे हैं, वो काम चलते रहेगा उसमें कोई पीछे नहीं होने का संभावना है क्योंकि आय बढ़ दुगुनी होना है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम इसमें कोई रुकावट नहीं होगा एक्चुअली डबलिंग का काम अच्छा रफ्तार में चल रही है उसमें कोई ये नहीं मगर वो कानून के विषय जब आया और जैसे प्रधानमंत्री जी ने उस समय सही बोले कि शायद हम कुछ वर्गों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। इसमें यही बात है कि आप पिछले 25 वर्षों में कितनी कमिटियां बैठे नहीं है कितनी सरकार इसके ऊपर चर्चा नहीं किए स्टैंडिंग कमिटी पार्लियामेंट के इसके फेवर में कितने काम नहीं किए सुझाव नहीं दिए इसीलिए उस कानून में कमी है ऐसे मानने को कोई तैयार नहीं है मगर उसके ऊपर आर्टिकुलेशन उसके ऊपर जो जिनके मन में कुछ शंकाएं हैं उनको कन्विंस करने का प्रयत्न शायद यही मैं मानती हूं प्रधानमंत्री जी का इंडिकेशन था कि शायद हम कर, कन्विंस करने पाए ठीक है एक हम साक्षात्कार के अंत की ओर बढ़ रहे हैं इस सरकार का खर्च करने का जो स्तर है स्केल है वो देख के इकोनॉमिस्ट भी हैरान है इस देश में इतनी बड़ी विकास परियोजनाएं डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो शिप मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या बंदरगाहों के निर्माण की पोर्ट डेवलपमेंट की बात हो फिर रेलवे का जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास की बात हो इतना सारा पैसा आप जुटाते कैसे हैं और उसका कैसा दबाव आप महसूस करते हैं आजकल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का फंडिंग का टेक्निक भी बहुत ऑप्शंस के साथ आती है जहां प्राइवेट में मतलब मार्केट में जाकर लोन उठाते हो या बजट के द्वारा प्रोविजनिंग होता है या जब एक एक टोल का रास्ता तैयार है उसको मोनेटाइज करने का मेथड है जैसे हम एसेट मोनेटाइजेशन ले आया जिसमें बहुत सारे वैसे आइडल रिसोर्सेस मतलब उससे कुछ काम नहीं है उससे कुछ होना नहीं है उससे कमाना का कमाने का रास्ता नहीं है वो वैसे के वैसे है उसको भी उठा करके सेल नहीं करते हुए उसको बिकते नहीं वी आर नॉट सेलिंग इट मगर उसको उसके नाम पर और पैसा ले आने के लिए लीज में देने का ओनरशिप आपके यहां रहेगा मगर उसको लीस में दो उसमें कुछ असेट बनेंगे उससे हमें कुछ रेंटल मिलेगा लीस आ, मिलेगा ऐसे करने का व्यवस्था बहुत सारे हमने ले आए सो फंडिंग ऑफ गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत सारे रास्ता निकाला जिससे हम इतने बड़ा स्तर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने में शायद सफल है अब जैसा कि अभी हितेश जी ने भी कहा कि बजट आप पेश करने वाले हैं लेकिन उसके ऊपर आपकी अभी लिमिटेशंस है उसमें बात नहीं कर सकते लेकिन कन्वे कर सकते हैं कि इस समय भारत के मध्यम वर्ग को काफी उम्मीदें हैं आपके बजट से नहीं मैं इसे अलग तरीके से बोलता हूँ इस सदन में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं और मेरे फोन में बार बार मैस, मैसेज आ रहे हैं कि पीपीएफ की लिमिट एटीसी इसके बारे में मैं इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछूंगा आपकी क्या राय है मैं आने वाले बजट के ऊपर तो कोई कुछ बोल नहीं सकती हूं और मैं भी मिडिल क्लास की हूं इसलिए थोड़ा लिबर्टी लेकर के बोलना चाहती हूं लिबर्टी <laughs> जरूर लेना आवश्यक है मिडिल क्लास का प्रेशर्स को मैं समझ पा रही हूं आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मिडिल क्लास सो आई नो बट एक विषय में सरकार के अब तक के काम के ऊपर भी आपके सामने रखना चाहती हूं कोई नया टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर नहीं है अब तक आप शुरुआत में बोले चार बजट अभी पांचवी बजट मैं हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से पूछ रही हूं क्या नया कुछ टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर डाला है क्या प्लीज मुझे बोलिए शुरू उससे सेकंड पांच लाख तक का टोटली टैक्स नहीं है सैलरी पांच लाख सैलरी तक टैक्स नहीं है सेकंड थर्ड एक्चुअली सोचिए इस देश में कितने शहर में मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास में इसीलिए बोल रही हूं कि मोबिलिटी में ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिपेंड करने वाले मिडिल क्लास है कितने शहर पे मेट्रो ले आए 27 क्या वो मिडिल क्लास के लिए उपयोग नहीं है मेट्रो फोर्थ मिडिल क्लास ज्यादातर गांव से शिफ्ट होकर के आज शहरों में उनके बिजनेस के लिए या उनके कारोबार के लिए उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं हंड्रेड सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा दे दिए ये क्या मिडिल क्लास के लिए उनके लिविंग इजी होने के लिए नहीं है क्या कदम मैं हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति का पॉकेट में पैसा नहीं डाला ठीक है मगर ये फैसिलिटी दो सिटी हंड्रेड स्मार्ट सिटीज के साथ आती है उदाहरण में परसों इंदौर में थी इतना सुंदर रखते हैं उनके शहर इसीलिए तो कंट्रीज मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी उधर रहने वाले मिडिल क्लास को फायदा नहीं है क्या ऐसे ही 27 सेवन मेट्रोस हंड्रेड स्मार्ट सिटीज ड्रिंकिंग वॉटर घर तक पहुंचना मोर देन ई नो राइट हंड्रेड एंड लेवन लैक के घर तक पहुंचा है वो मिडिल क्लास आप नहीं है मैं नहीं हूं क्या वो मिडिल मिडिल क्लास नहीं है क्या उनको भी चल रही है काम पानी तक उनके यहां पहुंचा है अब तक जो नहीं था वो मिडिल क्लास नहीं है क्या वो भी उनको भी चल रही है पैसा सो so, ऐसे मैं लिस्ट कर सकती हूं मगर बात यही है कि हां और कर सकते हैं जरूर मिडिल क्लास के लिए और कर सकते हैं इस देश में मिडिल क्लास के संख्या यस इट्स बिकमिंग बिग सो मिडिल क्लास मैसेजेस के द्वारा आपके द्वारा प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं जरूर सुन रही हूं और मैं आई क्वाइट रेकग्नाइज द प्रॉब्लम ऑल्सो ये जवाब मैं इसीलिए नहीं दे रही हूँ कि इतना कर दिया बस हो गया वो नहीं बोल रही मैं करके कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे भी धन्यवाद निर्मला जी और मुझे याद है जब पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आप बोलती थी और तीन बजे के आसपास खूब वन लाइनर्स देती थी मुझे पिछला साक्षात्कार भी याद है जब रक्षा मंत्री के तौर पर आपने एक सुरक्षा कवच जैसे अपने आसपास बना लिया और जो बिल्कुल अलग था प्रवक्ता की भूमिका से रक्षा मंत्री के तौर पर देखना और आज हमने उन वित्त मंत्री का साक्षात्कार किया जो बहुत तोलमोल के बोलती हैं और उसके साथ बजट से पहले तो बहुत ही तोलमोल के बोल रही हैं मगर फिर भी पांच जन्य के इस मंच पर आपने बहुत खुल के इस देश के मध्यम वर्ग को आश्वस्त किया है कि आप बहुत सह रहे हो हम आपके ऊपर और जोर डालने वाले नहीं है आपने ऐसा बोला कि कोई कोई आपका ये रिएक्शन वायरल हो जाएगा चलिए आपने अपने अति व्यस्त समय में से ये समय निकाला बहुत खुलकर प्रश्नों का उत्तर दिया आपका बहुत बहुत आभार